नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने YouTube चैनल गार्डन डायरीज पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने इस बैगन के प्लांट को दिखा रही हूँ। ये देखिए इस बैगन के प्लांट को, इसकी हालत कितनी ख़राब हो गई है। ये देखिए, वो जब मैं आज आई तो मैंने इस प्लांट को देखा, जिसमें आप देखिए नीचे नीचे की इसकी ये पत्तियाँ देखिए कितनी अच्छी हैं। और ये प्लांट जो है एक दो दिन ही मैंने नहीं देखा, उसके बाद इस प्लांट की हालत इस तरीके से। इसकी कुछ पत्तियां गिर तो रही थी लेकिन मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब जब आज मैं छत पर पानी डाल रही थी तब मैंने देखा कि मेरे इस प्लांट पर किसी पेस्ट ने तो अटैक किया है। तो मैंने ध्यान से देखा तो मुझे ये इस तरीके का, इस पत्ती के ऊपर ये इस तरीके का लाल लाल कुछ देखा। ये देखिए, आपको बहुत क्लियरली दिख भी रहा होगा कि ये लाल लाल कुछ कीड़े चल रहे हैं। तब मैंने इनको बड़े ध्यान से देखा, तब मुझे समझ में आया कि ये तो इस पर रेड वाली मकड़ी ने अटैक किया है। तो ये देखिए, आपको क्लियरली दिख रही होंगी कि ये देखिए, इसने ये जाला सा बना लिया है। ये देखिए, इसने ये इस तरीके से जाला बना लिया है। और ये देखिए पत्तियों के ऊपर कितना बड़ा इसका झुंड, और वो भी देखिए आपको ये एक्टिव करती चलती हुई आपको दिख रही होगी कितनी ढेर सारी मात्रा में। तो ये अगर मैं इसको ना देखती तो ये हमारे प्लांट को बचने ही नहीं देखती। देखिए आपको ये दिख भी रही होंगी कि ये कितनी तेज़ी से चल रही है। तो अगर मैं अब इस पर कोई भी ऑर्गेनिक स्प्रे करूँगी तो ये मेरा प्लांट बिल्कुल भी नहीं बचेगा, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा इनने अटैक कर दिया है। ये देखिए, आपको सारे प्लांट पर दिख रही हूँ कि ये किस तरीके से इसने अटैक किया हुआ है। और ये सारी लीव्स जो है, लीव्स को जो है इन्होंने ख़राब कर दिया। ये देखिए कैसे चल रही है, देखिए दिख रही हूँ। तो इन्होंने क्या करा कि पत्ती के नीचे एक जाला जैसा बना लिया है और धीरे धीरे करके पत्तियाँ इस तरीके से सूख सूख कर गिर रही हैं। ये देखिए, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, इस प्लांट को लाकर एक कोने में रख दिया। अब मैं इस पर एक मकड़ी का स्प्रे करूंगी, जिससे कि इसके एक दो स्प्रे से ही ये सारा मकड़ियां जो हैं मर जाएंगी। तो इस तरीके के अगर कीड़े अगर आपके गार्डन में हो जाते हैं तो फिर आपको कोई ऑर्गेनिक स्प्रे ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा। उस समय तो हमें ये इनऑर्गेनिक स्प्रे ही करने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ, ये देखिए, ये है पायरोमाइट, मकड़ी नाशक करके एक आता है। तो इसको हम, मैं तो अपनी बोतल में आधा लीटर पानी में दो तीन ड्रॉप डालूँगी और इसका स्प्रे कर देती हूँ। इस स्प्रे को हमें सुबह के समय या शाम के समय करना चाहिए। तो चलिए हम स्प्रे करते हैं। तो ये देखिए, मैंने बोतल में पानी ले लिया है और इसमें अब मैं इस स्प्रे को डाल रही हूँ। इस स्प्रे को मैं इसकी स्प्रे की तीन चार बूंदे इसमें डाल लेती हूँ। इस स्प्रे के एक ही दो बार में स्प्रे करने पर ये पौधा जो है मेरा बच जाएगा। तो मैंने इसको घर के सबसे एक कोने में लाकर, अब मैं इस प्लांट पर बहुत अच्छे तरीके से स्प्रे कर दे रही हूँ, जिससे कि ये मकड़ियाँ जो है मर जाएंगी। और इसकी जो मैंने सूखी हुई पत्तियाँ हैं वो मैंने हटा दी। तो अब मैं इसके बाद आपको एक हफ्ते बाद इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। अब मैंने इसको चारों तरफ से अच्छी तरीके से उसको मैंने स्प्रे कर दिया। जब भी आपके प्लांट इस तरीके से हो जाएं तो आप उन इन्फेक्टेड प्लांट को उस जगह से हटा ही दें, नहीं तो वो आपके और भी सारे प्लांट्स को जो है ख़राब कर देंगे। तो आप इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो मकड़ियाँ हैं बिल्कुल एक बार में ही ख़त्म हो जाएंगी। चलिए अब मैं आपको इसके बाद इसके अपडेट के साथ मिलती हूँ। तो ये देखिए, 10 दिन के बाद का रिजल्ट है। इस प्लांट पर नई नई लीव्स आ गई हैं
और इस प्लांट पर देखिए आप, ये फूल भी बनने लगे हैं। तो ये प्लांट जो है स्पाइडर माइट के अटैक से बिल्कुल ठीक हो चुका है अब ये प्लांट। तो अगर आपका भी प्लांट अगर इस तरीके से ख़राब होने लगा हो, तो आप इस तरीके से अपने प्लांट को स्प्रे करके स्पाइडर माइट की दवा का, तो आप भी अपने प्लांट को इस तरीके से बचा सकते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।